हेलो फ्रेंड्स, आज आम षष्ठ श्रेणी गणित बहर षष्ठ अध्याय दशमिक संख्यार 6.3 विषय वस्तु सहित तार अभ्यास कार्य आलोचना करिबा। वर्तमान तुम्हें कहीपर कि 0.07 और 0.1 मध्य केउटी बड़ दशमिक संख्या, तो आम प्रथम कौन करवा ना ये दशमिक संख्या को साधारण भग्न संख्या रे प्रकाश करवा, तापर से साधारण भग्न संख्या को समहर रे परिणत करी आम जापर के बड़ दशमिक संख्या आउ के सान दशमिक संख्या। यह व्यतीत आम दशमिक संख्या को केवल लक्ष्य करी मध्य तार स्थानीय मान को देखी मध्य आम जापर के बड़ दशमिक के सान दशमिक खूब सहजरे एवं अल्प समय मध्य। वर्तमान आम ताको भग्न संख्यार परिणत करवापर आम तार स्थानीय मान देखिक आम करवा। देख 0.07 को साधारण भग्न संख्यार प्रकाश कले आम कौन पाइबा ना देख 7 के स्थान अच्छी ना 7/7 स्थान थी ताहा 7/7। 7/7 अर्थ 7/100 अर्थ 100 भाग 7 भाग। से 0.1 को आम साधारण भग्न संख्यार प्रकाश कले आम पाइबा ना एक है एक दशांश स्थान थी 1/10 अर्थ 1/10। उभय संख्यार हर को वर्तमान समहर में परिणत करवा, तापर आम बड़ सान तुलना करवा। तो आम जो दुईट भग्न संख्या पाइले से दुईट कौन कौन थी ना 7/7 आउ 1/10 अर्थ 7/100 आउ 1/100। एथिरे देख यार हर 100 अच्छी प्रथम भग्न संख्याटी, द्वितीय भग्न सीटे हर 10 अच्छी, तेणु यह समहर नुहे, तेणु यह समहर विशिष्ट भग्न संख्यार परिणत करवा। आमको कौन करने पड़ ना 100 और 10 लसागु ने पड़ो। तो प्रथम आम 10 ने गोटे संख्या ने जेकि उभय संख्या भितर जेकोसी गोटे संख्या द्वारा विभाज्य हो, तेणु आम 10 ने तुम्हें चाहिए 2 नहीं पार, तापर 5 नहीं पार, तापर 10 नहीं पार, कि आम जेहेतु 10 नहीं गले आमको सागे सागे उत्तर बाहरी जब, तेणु 10/100 10/10 तापर 10/10 1/1 आसला पर्यटन तुम लसागु नब, लसागु 1 आसले ताटा विभाज्य होगला, तेणु यही दुईट संख्यार गुणफल हम आम लसागु, ताले 10/100 हम तार लसागु अर्थ हर को आम 100 परिणत करवा। देख प्रथम भग्न संख्याटी हर 100 अच्छी अर्थ 7/100, तेणु हर में केते गुणवा जेहेतु हर में 100 अच्छी तेणु आम 1 गुणवा, हर में 1 गुणवा लबरे 7 आम 1 गुणवा, ताहले आम कौन पाइले ना ताहले आम पाइले 7/100 हेला यार उत्तर। से हीपरी भाव में 1/10 हर के अच्छी हर 10 अच्छी, तो 10 को आम 100 रे परिणत करवा, तो 100 रे परिणत करने कौन करवा ना हर में 10 गुणवा, तो 10/100 हम जेहेतु आम हर में 10 गुणीपरि लबरे 10 गुणवा, ताल 10/100 है। तेल आम दुईट भग्न संख्या पाइले समहर विशिष्ट भग्न संख्या आम पाइले कौन कौन ना 7/100 आउ 10/100। तो समहर विशिष्ट भग्न संख्या द्वयर लब को देख, तो लब को लेख, लब कौन अच्छी ना प्रथम भग्न संख्याटी लब अच्छी 7 और द्वितीय भग्न संख्याटी लब अच्छी 10। तो दुईट भग्न संख्या मध्य हर सामान थी लब बड़ थी भग्न संख्या को बृहत्तर बड़ भग्न संख्या कहती आम पढ़ी जो समहर भग्न संख्याटी लब बड़ से भग्न संख्याटी बड़ अर्थ 7/10 मध्य के संख्याटी बड़ ना 10 बड़, ताल 10/10 हम बड़ भग्न संख्या अर्थ 0.1 हम बड़ दशमिक संख्या। वर्तमान तुम्हें देख तुम्हें मौखिक भाव में अल्प समय मध्य सागे सागे जापर किपर जापर देख देख आम गणन संख्या को आम किपर जानती बड़ सान आम तार स्थानीय मान हिसाब से जानती, जपरी मनकर 345 गोटे संख्या आ 450 गोटे संख्या। देख यही प्रथम संख्याटी ये एकक स्थानीय मान, ये दशक, यहाँ शतक। से हीपर भाव में द्वितीय एकक दशक शतक अच्छी, तो देख प्रथम गणना संख्याटी शतक स्थान में किए अच्छी 3 अच्छी, द्वितीय संख्याटी शतक स्थान में किए अच्छी 4 अच्छी, तो तुम्हें जाच 3-4 मध्य बड़ किए ना 4 बड़, तेणु 450 बड़ हम क्या ठार् ना 345 ठार्। यहीपर भाव में आम बड़ चिन्ह दिखती, तो से हीपर भाव में स्थानीय मान हिसाब से आम जापारे जो शतक घर 3 अच्छी, ये शतक घर 4 अच्छी, तेणु 4/3 बड़ से ये संख्याटी बड़। से हीपर भाव में मनकर जदि ये 35 ये 447
470। ताहले तुम्हें मध्य कही पार्था तो यह दुई अंक विशिष्ट संख्या, यह तीन अंक विशिष्ट संख्या, तेणु यही संख्याटी बड़ कारण यार शतक स्थान में शून अच्छी से यार चार अच्छी तेणु जो जो स्थानीय मान संख्या अधिक थी संख्या बड़ थी से संख्याटी बड़। से हीपरी भाव ये देख दुईट दशमिक संख्या कौन कौन अच्छी, गोटे अच्छी 0.07 आउ गोटे अच्छी 0.1 अच्छी या अच्छी। देख ये 0.07 रहा है दशांश स्थान, यहाँ है शतांश स्थान। यहीपर भाव में तले भग्न तले दशमिक संख्याटर दशांश स्थान केवल अच्छी शतांश स्थान किसी ना ये शतांश स्थान आम शून लिखा तो दशमिक संख्याटी कौन है 0.07 ये 0.1। देख दशांश स्थान शून अच्छी ये दशांश स्थान एक अच्छी तेल के संख्याटी बड़ हम एक शून ठू बड़ से 0.1 बड़ है तुम ये धारा करपर नमी मौखिक भाव में स्थानीय मान को लक्ष्य कर तुम जापर के दशमिक संख्याटी बड़ अच्छी यार दशांश स्थान शून अच्छी यार दशांश स्थान एक अच्छी तेणु एक बड़ शून ठार से 0.1 बड़ हम। तापर देखा परवर्त कौन दे देख सात सात व्यक्त शहे और दस व्यक्त शहे मधुर दस व्यक्त शहे सात व्यक्त शहे ठार बड़ी लिखा ना 0.1 बड़ चिन्ह दिया दिज्व 0.07 यहीपर लिखिपर नचे तुम्हें सान चिन्ह दे कि लिखिपर जपरिक 0.07 यहाँ है सान चिन्ह तापर ये लिखिपर 0.1 यहीपर भाव लिखा जापर। वर्तमान देख यहाँ आम चित्र मध्यम किपर दर्शेवा 0.07 0.1 को चित्र मध्यम तले दर्शा जा 0.07 साधारण भग्न संख्या रूप है सात विभक्त शहे से 1.0.1 साधारण भग्न संख्या है 1/10 तो अर्थात सात विभक्त शहे अर्थ कौन ना शहे समान भाग सात भाग से भाव तुम्हें गोटे घर कर गोटे बक्स करें शहेटी घर कर एवं शहेटी घर मध्य तुमको सतटी घर तुम रंग कर घर टू आम कौन कह आमको चित्र मध्यम से भग्न संख्याटी को दर्शेवा जे यह शहे भाग रु सात भाग अर्थ यार सतटी घर को तुम रंग कर बुझीला। से हीपरी भाव में तुम द्वितीय दशमिक संख्याटी थी 0.1 साधारण भग्न संख्यार आम लिखिले 1/10 अर्थ 10 समान भाग रु एक भाग से हीपरी गोटे घर को तुम 10 समान भाग कर तापर तार एक भाग को रंग कर तो या भितर तुम जापार केउटी बड़ केउटी सान तो यह तुमको चित्र मध्यम दर्शेब। देख 0.1 को आम 1/10 लिखिपारे ना आम कौन लिखिपर 10/100 लिखिपर तो यहीपर भाव तुम 10 गार कले तुम 100 घर हो 100 घर मध्य जमी 7 घर रंग कराई तुम्हें से हीपर ये 10 घर रंग कर तो चित्र मध्यम भी तुम जापर के बड़ के सान। देख जाच कि देख दशमिक बिंदु पर दशमिक संख्यार जितोटी अंक थाए ताकु साधारण भग्न संख्या रूप से लिखिले से ही संख्या विभक्त एक सेतोटी शून दिया जाए। उदाहरण देख 0.27 अच्छी ए देख दशमिक संख्या पर केतोटी अंक अच्छी 1, 2 दुईट अंक अच्छी अर्थ 27 2 गोटे अंक 7 गोटे अंक तेल तुम से ही संख्याटी को लिखिल यहाँ भग्न संख्या किपर लिख तो से हीपरी भाव लिखिल तो 27 तुम लिखिल विभक्त 1/10 पर जितोटी अंक अच्छी केतोटी अंक अच्छी 2 अंक अच्छी तो 1/2 शून देव तेल 27 विभक्त 100 हम दशमिक 0.27 भग्न संख्या है किए ना 27 विभक्त 100 हम बुझीला। से हीपरी भाव में 1.5 को मध्य तुम यहीपर भाव में भग्न संख्या रूप लिखिपर देख दशमिक पर केतोटी अंक अच्छी गोटी अंक अच्छी ताले मोट संख्याटी के 1/5 लिखिल विभक्त दशमिक पर गोटे अंक अर्थ 1/0 शून अर्थ 15/10 हम यार उत्तर बुझीला। तापर देख बर्तमान आम अभ्यास कार्य 6.3 आलोचना करवा तो प्रत्येक क्षेत्र में दुईट जाक दशमिक संख्या को चित्र देखाओ एवं बड़ संख्याटी को चिन्हाओ करे देला 0.47 और 0.3 देख आम मौखिक भाव में जापर के संख्याटी बड़ आ के संख्याटी सान। देख 0.47 दशांश अच्छी एवं शतांश अच्छी से हीपरी भाव 0.3 देख
प्रथम दशमिक संख्यार दशांश स्थान किए अच्छी चार। द्वितीय दशमिक संख्यार दशांश स्थान तीन अच्छी तेल आम जानते चार तीन ठार बड़ से शून दशमिक चार सात बड़ हम क्या ठार् शून दशमिक तीन ठार् तो यह तुम मौखिक भाव में जान लो। तो पूर्व आम देख यहीटा धारे आम जाणी पूर्व आउ गोटे संख्या देख या आउ गोटे कथ देख या पूर्व तुम जाणी कि पढ़ी ना ना जे दशमिक को किपर भग्न संख्या भाव में लिखे देख बर्तमान देख शून दशमिक चार सात दशमिक पर कतोटी अंक अच्छी दशमिक पर दुईट अंक अच्छी तेल या साधारण भग्न संख्यार किपर लिख ना से संख्याटी लिख लौ संख्याटी ना सड़चाश लिख लाते एक दुईट शून्य हम यार साधारण भग्न संख्या से हीपरी शून दशमिक तीन गोटे अंक अच्छी तीन तुम लिख लापे विभक्त लिख एक गोटे शून रन विभक्त दस हम यार साधारण भग्न संख्या देख शून दशमिक चार सात आमे वर्तमान यह साधारण भग्न संख्या रूप से करापर ताक हर को सामान कर आम जानवा जो क्यों बड़ के सान यह धारे किंतु तुम मौखिक भाव स्थानीय मान को लक्ष्य कर तुम जापर क्योंटी बड़ आउटी सान देख प्रथम दशमिक संख्या को साधारण भग्न संख्या रे प्रकाश करवा तो शून दशमिक चार सात चार दशांश स्थान और सात शतांश स्थान थी चार चार विभक्त दस मिशन सात शतांश स्थान थी सात विभक्त शहे बर्तमान यह समहर करवा देख दस शहे लस आगु हम शहे तो दस रेते गुणिले शहे दस रे दस गुणिले शहे तेणु चारे के गुणा जी दस कारण जेहेतु लबरे दस गुणाई से हीपर भाव में जेहेतु हर से दस गुणाई से हीपर भाव में लबरे दस गुणा जी तेल चार दशा चालीस उपर शहे एक गुणाई शहे के शहे से हीपरी लबरे एक गुणा जी सात के सात तो चालीस मिशन सात हे सड़चाश विभक्त शहे यहीपर भाव में आम भी बाहर करते ना ना साधारण भग्न संख्या रूप से भाव में यह लिखा जा बुझेगा। तापर शून दशमिक तीन तीन दशांश स्थान अच्छी तेणु तीन रान है तीन विभक्त दस अर्थात तीन दशांश बर्तमान उभय भग्न संख्यार हर को समहरे परिणत करवा प्रथम भग्न संख्याटी है सड़चाश विभक्त शहे द्वितीय भग्न संख्याटी है तीन विभक्त दस तेल शहे दस रस आगु हम शहे तेल सड़चाश विभक्त शहे हर शहे अच्छी से एक गुणन हम लब सड़चाश एक गुणन हम तेल सड़चाश विभक्त शहे से भाई रही तीन विभक्त दस र रोक आम शहे परिणत करवा से दस रे दस गुणवा लबरे दस गुणवा तेल तीन रे दस गुणिले तीस लहर है शहे तेल तीस विभक्त शहे तो सड़चाश विभक्त शहे तीस विभक्त शहे लबरे संख्या गुड़िकला सड़चाश और तीस तो यमु सड़चाश बड़ से सड़चाश विभक्त शहे बड़ है तीस विभक्त शहे ठारे शून दशमिक चार सात बड़ हम शून दशमिक तीन सात शून दशमिक तीन तो वर्तमान यह चित्र मध्यम दर्शाइवा देख सड़चाश विभक्त शहे यह चित्र मध्यम दर्शाइले हम शहे भागर सड़चाश भाग तो तीन विभक्त दस से जार अर्थ है तीस विभक्त शहे यह चित्र मध्यम दर्शाइले हम शहे भागर तीस भाग ताल गोटे घर करहे सामान भागर से भाव में आउ गोटे चित्र कोहे सामान भागर भाग करी प्रथम चित्रटी को सड़चाश घर रंग कर द्वितीय चित्रटी को तीस टी घर रंग कर भाव में तुम रंग करमें जापर के अधिक रंग अच्छी से संख्याटी बड़ हम तेना सड़चाश घर अधिक रंग थी सड़चाश विभक्त शहे बड़ है तीस विभक्त शहे ठार् बर्तमान आम देखा ख नंबर प्रश्नटी ख नंबर प्रश्न देला शून दशमिक पाँच और शून दशमिक शून पाँच प्रथम आम कौन करवा दशमिक संख्या को साधारण भग्न संख्यार प्रकाश करवा पूर्व आम मौखिक भाव में जानने जे के संख्याटी बड़ देख यून दशमिक पाँच रशांश स्थान किए अच्छी पाँच अच्छी से हीपरी शून दशमिक शून पाँच रशांश स्थान शून अच्छी आम जानते पाँच शून ठार् बड़ से शून दशमिक पाँच बड़ हम शून दशमिक शून पाँच ठारू तो वर्तमान आम धारे लिखा देख यख्याटी को आम साधारण भग्न संख्यार किपर लिखा शून दशमिक पाँच गोटे अंक अच्छी तेणु पाँच विभक्त तो एक गोटे शून कारण दशमिक पर गोटे अंक थी से संख्या तले एक से संख्या विभक्त एक गोटे शून रहा पाँच विभक्त दस है यार साधारण भग्न संख्या से हीपरी भाव में देख शून दशमिक शून पाँच दुईट अंक अच्छी
से पाँच लिखा तेल एक कतोटी शून रुईटी शून रच विभक्त शहे हम कि देख आम ये धारा किपर लिखा ना शून दशमिक पाँच पाँच हूँ दशांश स्थान अच्छी तेणु यार मूल्य हूँ पाँच विभक्त दस से हीपरी भाव में शून दशमिक शून पाँच पाँच सताश स्थान थी यार मूल्य पाँच विभक्त शहे तापर देख बर्तमान उभय भग्न संख्यार हर जथाक्रमे कौन है ना दस एवं शहे यह सामान नथिबारु समहर विशिष्ट भग्न संख्यार परिणत करिबा ताले समहर करने आम कौन करिबा ना लसगु निर्णय करिबा ताले दस शहे लसगु हम शहे हम ताले पाँच विभक्त दस हर दस अच्छी यह शहे परिणत करने दस गुणीबा जेहेतु हर से दस गुणी लबरे दस गुणीबा ताले पाँच दस गुणले पचास विभक्त शहे सेपरी भाव में द्वितीय भग्न संख्या पाँच विभक्त शहर हर शहे थी एक गुणीबा लबरे एक गुणीबा तेणु संख्याटी हेबो पाँच विभक्त शहे ताले आमे पाइले दुईट भग्न संख्या कौन कौन ना गोटी हेला पचास विभक्त शहे अन्यटी हेला पाँच विभक्त शहे तो भग्न संख्यार हर सामान तेणु लब बड़ थी संख्याटी बड़ हेबो ताले पचास आउ पाँच मध्य पचास बड़ से पचास विभक्त शहे बड़ हेबो पाँच विभक्त शहे ठारु किंबा तुम यहीपरी भाव में भी लिखिपार पाँच विभक्त शहे सान चिन्ह दे पार पचास विभक्त शहे देख शून दशमिक पाँच बड़ चिन्ह शून दशमिक शून पाँच बर्तमान यह चित्र मध्यम दर्शाइबा देख शून दशमिक पाँच अर्थ आम कौन पाइले ना पाँच विभक्त दस एवं यहाँ समहर में परिणत कले पचास विभक्त शहे पाइले अर्थ शहे भाग रु पचास भाग तेल यहीपर गोटे घर तैयारी कर दस शहे टी सामान भाग घर या भितर पचास टी घर को तुम रंग दब से द्वितीय घर टी कौन थी ना शून दशमिक शून पाँच अर्थ पाँच विभक्त शहे पाँच विभक्त शहे थिला अर्थ शहे भाग रु पांच भाग ताले से घर टी शहे सामान भाग कर पांचटी घर टी रंग दब ताले एथिरो आमे जानी पाले पचास टी घर रंग दि जाइथिबारु से घर अधिक रंग दि जाइछि तेणु ए घर टी बड़ अर्थ शून दशमिक शून पाँच बड़ शून दशमिक पाँच बड़ कहा ठारु ना शून दशमिक शून पाँच ठारु बर्तमान देखिया ग नंबर प्रश्नटी ग नंबर प्रश्नटी देला एक दशमिक पाँच और शून दशमिक छ आठ तो प्रथम दशमिक संख्या को भग्न संख्यार प्रकाश करिबा देख आम या पूर्वर भी आम पढ़ीचे किपरि बहुत सहजरे अल्प समय आम जापर बर्तमान आम से भाव में देखा तापर आम धारा दे, देखा देख एक दशमिक पाँच यहाँ है एकक स्थान यहाँ है दशांश स्थान से हीपरी द्वितीय दशमिक संख्याटी कौन देला ना शून दशमिक छ आठ यहाँ है तार एकक स्थान यहाँ दशक स्थान यहाँ सताश स्थान देख ये एकक स्थान एक अच्छे दशांश स्थान शून अच्छी तो आम जानते एक शून ठार बड़ से संख्याटी दशमिक संख्याटी बड़ हम आउ आमको दशांश स्थान को जीवाई पड़ा ना कारण एकक स्थान एक यार एकक स्थान शून थी आम स्थानीय मानू जापारे के संख्याटी के दशमिक संख्याटी बड़ चिन्ह बड़ हम बोली तापर आम कौन करवा ना बर्तमान धारा देखा ता पूर्व आम यहाँ साधारण भग्न संख्यार किपर लिखा देख एक दशमिक पाँच दशमिक पर गोटे संख्या अच्छी से पंदर विभक्त एक गोटे शून रहीपरी भाव में शून दशमिक छ आठ अच्छी दशमिक पर दुईट अंक थी अड़सठ तुम लिख से संख्याटी लिखर एक दुईट शून दब कारण दशमिक पर अंक कतोटी अंक अच्छी दुईट अंक अच्छी से एक दुईट शून रुझीलापर देख प्रथम दशमिक संख्या को भग्न संख्यार प्रकाश करवा तो एक दशमिक पाँच एठार एक हूँ एक एकक स्थान पाँच दशांश स्थान अच्छी तेणु एकक स्थान एक रहा दशांश स्थान पाँच थी पाँच विभक्त दस अर्थ एक पूर्ण पाँच विभक्त दस यहीपर लिखापर शून दशमिक छ आठ एठार छ दशांश स्थान थी दशांश स्थान अच्छी आठ सताश स्थान अच्छी तो छ दशांश स्थान रे छ विभक्त दस मिठाण मिशाण आठ सताश स्थान रे आठ विभक्त शहे तेणु यह समहर नथिबारु यार लसगु ने लसगु यार शहे हम शहे ये दस रे दस गुणिले शहे हम जेहेतु रे दस गुणी लबरे दस गुणवा ताले छ दशा षाठी ये लिखा मिशाण ये एक गुणी कारण शहे अच्छी से लबरे एक गुणा जीव आठ के आठ षाठी मिशाण आठ हम अड़सठ विभक्त शहे हम
एहीपरी आम साधारण भग्न संख्या पाइले बर्तमान आम ये साधारण भग्न संख्या को तुलना करवा एक पूर्ण पाँच विभक्त शहे और अड़सठ विभक्त शहे रे हर सामान नथिबारु एहाकु समहर रे परिणत करवा ताले समहर ये दस अच्छी शहे अच्छी यार लस होता शहे अर्थात यार हर को शहे रे परिणत करवा ताले एक मिशाण पाँच विभक्त दस सामान एक ये दस रे दस गुणन करेतु हर रे दस गुणन कर लबरे दस गुणन कर पान दशा पचास अर्थ एक पूर्ण पचास विभक्त शहे द्वितीय संख्याटी हर से शहे अच्छी से शहे थवर एक गुणन करागला लबरे आम एक गुणवा तेल यह हम अड़सठ विभक्त शहे बर्तमान देख ऊपर रहा के एक पूर्ण पचास विभक्त शहे एवं तापर रहा अड़सठ विभक्त शहे तो यह भितर बड़ संख्याटी किए रहा ये बड़ अच्छी तेणु यह एक संख्याटी बड़ हम कारण एक पूर्ण थी ताले एक पूर्ण पचास विभक्त शहे संख्याटी बड़ हम अर्थ एक दशमिक पाँच संख्याटी बड़ हम तापर देख बर्तमान यह चित्र मध्यम दर्शेवा क्या एक दशमिक पाँच एवं शून दशमिक छः आठ को देख एक दशमिक पाँच अर्थ गोटे यहाँ पूर्ण संख्या से हर के शहे ताले गोटे घर को शहे भाग कर शहे सामान भाग कर शहे सामान भाग को आम रंग देवा अर्थ एक है शहे विभक्त शहे केत शहे विभक्त शहे हम एक हम तेणु यह एक है संख्याटी के पचास विभक्त शहे अर्थ शहे सामान भाग कर पचास भाग को रंग देवा आउ द्वितीय भग्न संख्याटी थी अड़सठ विभक्त शहे अर्थ शहे सामान भाग कर आम अड़सठ भाग रंग देवा एटी शहे रहा पचास अर्थ शहे पचास भाग अच्छी शहे पचास घर रंग कराई द्वितीय चित्रटी केवल अड़सठी घर रंग कराई तेल के घर टी अधिक रंग है शहे पचास टी घर से एक पूर्ण पाँच विभक्त दस अर्थ एक दशमिक पाँच संख्याटी बड़ हम तेणु एक दशमिक पाँच बड़ शून दशमिक छः आठ ठारु दुई नंबर प्रश्नटी देखिबा तो प्रत्येक क्षेत्र दशमिक संख्या मध्यरु केउटी बड़ तो करे देला जे शून दशमिक नौ तीन एवं शून दशमिक शून नौ तीन मध्यरु आमे किभली जानिबा जे केउ संख्याटी बड़ केउ दशमिक संख्याटी बड़ तेणु आमे जानिछन्ती स्थानीय माने प्रथमे देखिबा देख शून दशमिक नौ तीन रे दशांश स्थान रे किए अछि नौ अछि तो सताक्ष स्थान रे किए अछि सताक्ष स्थान रे तीन अछि या दशांश स्थान या सताक्ष स्थान सेइ परि भाबरे शून दशमिक शून नौ तीन रे यार दशांश स्थान रे शून अछि सताक्ष स्थान रे नौ अछि एवं सहस्रांश स्थान रे तीन अछि ताले आमे जानिछन्ती नौ आ शून मध्यरु बड़ किए नौ बड़ कारण दशांश स्थान रे नौ अछि यार दशांश स्थान रे शून थिबारु नौ बड़ हला तेणु न बड़ है क्या ठार् शून ठार् तेणु शून दशमिक नौ तीन बड़ हम शून दशमिक शून नौ तीन ठार् बर्तमान आम यार धारा रे देखिबा तो प्रथम दशमिक संख्या को भग्न संख्या रे प्रकाश करिबा ताले शून दशमिक नौ तीन रे नौ दशांश स्थान थवर मूल्य नौ विभक्त दस से तीन शतांश स्थान थवर मूल्य तीन विभक्त शहे बर्तमान नौ विभक्त दस एवं तीन विभक्त शहे हर सामान ना न यार लस आगु ने तो दस शहे लस आगु शहे आसव तेणु शहे है लस आगु जेहेतु दस रे आम के गुणवा दस रे दस गुणले शहे हम से आम लबरे दस गुणवा ताले नौ रे दस गुणिले नबे हम तार तीन विभक्त शहे हर शहे अच्छी अर्थ ये एक गुणन कराई तेणु लबरे एक गुणन होन रे एक गुणले तीन हम तीन विभक्त शहे ताले नबे मिशाण तीन हम तेयानबे विभक्त शहे हम ताले शून दशमिक शून नौ तीन रे नौ है सताक्ष स्थान थवर मूल्य नौ विभक्त शहे से तीन सहस्रांश स्थान थवर मूल्य तीन विभक्त एक हजार तो नौ विभक्त शहे मिशाण तीन विभक्त एक हजार है शहे हजार समहर न थवर यह समहर परिणत कराला तेणु यार लस आगु एक हजार है तो शहे रेत गुणिले एक हजार हम शहे दस गुणिले एक हजार हम से लबरे दस गुणन कराला ना नौ रे दस गुणिले नबे है तीन विभक्त हजार रे हर हजार थवर एक गुणन कराला कारण हजार थी लस आगु एपं लबरे एक गुणन कराला तो तीन के तीन है तो नबे मिशाण तीन तेयानबे विभक्त एक हजार तो समय परिणत कराला देख बर्तमान दुईट भग्न संख्या को तुलना करवा गोटे संख्या है तेयानबे विभक्त शहे अन्य संख्याटी है
93 विभक्त 1000 तो यह समहर रे न थिबारु याकु समहर परिणत करिबा आमे एही संख्याटीर समहर कले वर्तमान एही संख्याटीर समहर करि आमे भग्न संख्या पाइले वर्तमान एही दुईटी संख्या को आमे तुलना करिबा ताले 100 आ 1000 रा लॉस हो केते हबो 1000 हबो ताले 1000 आमे कोन करिबा ना वर्तमान हर को समहर रे परिणत करिबा तो 93 विभक्त 100 तो 100 रे केते गुणिले 1000 हबो 100 रे 10 गुणिले 1000 हबो सति पई 93 रे मध्ये आमे 10 गुणिबा कने एहर हर रे 10 गुणन कराइच माने लब रे मध्ये 10 गुणन कराजबो त लब केते अछि 93 तनो 93 गुणन 10 केते हला 930 विभक्त 1000 सेइ परे 93 विभक्त 1000 रे हर 1000 रे थिबारु एथरे 1 गुणन करा गला लब 93 अछि सति पई एथरे 1 गुणन कराजबो त 93 विभक्त 1000 त 930 विभक्त 1000 93 विभक्त 1000 एही समहर विशिष्ट भग्न संख्यार लब यथाक्रमे 930 एवं 93 त एमानक मधुर आमे जानि छथि 930 93 ठारु बडा तेनो 930 विभक्त 1000 बड़ चिन्ह दिया गला 93 विभक्त 1000 किंबा 0.93 बड़ हब 0.03 रु वर्तमान देख ख नंबर प्रश्न ख नंबर रे देला 1.1 एवं 1.01 रु के भग्न संख्याटी के दशमिक संख्याटी बड़ देख एथिरे आमे कोन करिबा ना वर्तमान स्थानीय मान हिसाब रे जानि नेबा केउ दशमिक संख्याटी बड़ त 1.1 रो एहाला एकक स्थान एहाला दशांश स्थान सेई परी 1.01 रे एहाला एकक स्थान एहा दशांश स्थान एहाला शतांश स्थान तारे देख एकक स्थान थिबा एठी 1 अछि एठी 1 अछि तनो एहा समान हे गला दशांश स्थान रे छि 1 अछि एठी 0 अछि ताले आमे जानि छथि 1 0 ठारु बड़ सेतिपई 1.1 बड़ हब 1.01 ठारु त वर्तमान आमे एहार धारा रे देखिनेबा प्रथमे दशमिक संख्या को भग्न संख्या रे प्रकाश करिबा त 1.1 रे 1 एकक स्थान रे अछि तेनु 1 1 द्वितीय एकटी वा दशमिक एकटी को स्थान रे अछि ना दशांश स्थान रे थिबारु एहा 1 विभक्त 10 हेला तो संख्याटी केते हबो 1 1 एवं 1 विभक्त 10 ताले 1 मिश्रण 1 विभक्त 10 तापर देखो 1.01 रे ए 01 थिला ए 3 भूल लेखि दिया हिचे किंतु ए 01 तनो 01 रे 1 एकक स्थान मु तमको 1 रे कहि दउ छी तो 01 रे थिबारु 1 रो स्थान मान 1 1 एवं द्वितीय 1 रो शतांश स्थान रे थिबारु एहार मान हबो 1 विभक्त 100 हबो भूल एठी 3 लेखि दिया हिचे किंतु ए 1 अछि त 1 विभक्त 100 तो वर्तमान दुईटी भग्न संख्या का आम तुलना करवा देख द्वितीय संख्या टी के एक पूर्ण तीन विभक्त सॉरी एक पूर्ण एक विभक्त 100 हम तापर देख एक पूर्ण एक विभक्त 10 गोटे है द्वितीय संख्या टी एक पूर्ण एक विभक्त 100 तो यार हर सामान नार लस आगो निर्णय करवा एथि 10 एवं 100 अच्छी तेणु यार लस आगो ना के 100 हम तेणु बर्तमान यार हर को समहर परिणत करवा तेल एक पूर्ण एक विभक्त 10 10 केते गुणले 100 हब 10 रे 10 गुणले 100 हब तेणु उपर मध्ये आमे 1 रे 10 गुणिबा ताले 1 पूर्ण 1 रे 10 गुणले 10 हब ताले 1 पूर्ण 1 विभक्त 100 सेई परे द्वितीय संख्या टी 1 पूर्ण 1 विभक्त 100 अछि तेना हर रे आमे को किछि गुणिया पे पडिबो नाही एते 1 गुण त पडिबो त 100 रे 1 गुणले सेई 100 हब एवं एठी 1 अछि 1 गुणन 1 अर्थ 1 पूर्ण 1 विभक्त 100 हब ताले देख एमानक लब यथाक्रमे 10 एवं एथिरे 1 3 नुहे एहा 1 1 एवं एमानक मध्यरु के बड़ हबो 10 एवं 1 मध्यरु 10 बड़ सेथि पई 1 1 त पूर्ण संख्या अछि एक घरे यार 1 अछि यार मध्य 1 अछि किंतु एई जो भग्न संख्या टी तामक लक्ष्य कले आमे जानि परिबा यार 10 यार लब रे 10 अछि यार लब रे 1 अछि सेथि पई 10 1 ठारु बड़ सेथि 1 पूर्ण 10 विभक्त 100 बड़ हबो 1 पूर्ण 1 विभक्त 100 ठारु वर्तमान देख ग नंबर प्रश्नटी ग प्रश्नटी रे देला 0.83 एवं 0.038 त ए संख्या मध्यरु ए दशमिक संख्या रे आमे किपर जानिबा को दशमिक संख्या टी बडा वर्तमान आमे हेरा स्थानीय मान देखिनेबा त 0.83 रे एहा हला एकक स्थान एहा दशांश स्थान एहा शतांश स्थान सेई परी 0.038 एहा हला एकक स्थान रे 0 अछि दशांश स्थान रे 0 अछि शतांश स्थान रे 3 एवं एहार सहस्थांश
ପାଞ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଅଛି। ଦେଖ ଏହାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଶୂନ ଥିବାରୁ ଏହା ସମାନ ହେଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ କିଏ ନା ଦଶାଂଶ, ଏହାର ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଆଠ ଅଛି, ଏହାର ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଠ ଶୂନ ଠାରୁ ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଶୂନ ଦଶମିକ ଆଠ ବଡ଼ ହେବ ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ଆଠ ଠାରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଧାରାରେ ଦେଖିନେବା। ତ ଏହି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତେଣୁ ଶୂନ ଦଶମିକ ଆଠ ତିନିରେ ଆଠ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଦଶ, ତେଣୁ ତିନି ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଶହେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇଦେବା, ତ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଦଶ ମିଶାଣ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଶହେ, ଏହାର ହର ସମାନ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମହର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଲସକୁ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦଶ ସହର ଲସକୁ ଦଶ ଶହେ, ତ ଦଶରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଶହେ ହେବ, ଦଶରେ ଦଶ ଗୁଣିଲେ ଶହେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଠରେ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଗୁଣନ କରାଯାଇଛି, ତ ଆଠରେ ଦଶ ଗୁଣିଲେ ଅଶୀ। ତ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଶହେର ହର ଶହେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଏକ ଗୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ହରରେ ଏକ ଗୁଣନ କରାଗଲା, ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁଣନ କରାଗଲା, ତେଣୁ ତିନି ହେଲା। ତ ଅଶୀ ମିଶାଣ ତିନି ହେବ ତେୟାଅଶୀ ବିଭକ୍ତ ଶହେ। ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ଆଠରେ ତିନି ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଶହେ, ଆଠ ସହସ୍ରାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର। ତ ତିନି ବିଭକ୍ତ ଶହେ ମିଶାଣ ଆଠ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର, ଏହାର ହର ସମାନ ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମହର ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲସାଗୁ ନେବା। ତ ଶହେ ଏକ ହଜାର ଲସାଗୁ ହେଲା ଏକ ହଜାର। ତ ଶହେରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ଏକ ହଜାର ହେବ, ଶହେରେ ଦଶ ଗୁଣିଲେ ଏକ ହଜାର ହେବ, ତିନିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦଶ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ତିନିରେ ଦଶ ଗୁଣିଲେ ତିରିଶ ହେଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟିର ହରରେ ହଜାରେ ଥିବାରୁ ଏହାର ଆମେ ଏକ ଗୁଣିଲେ ଏବଂ ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁଣିଲେ, ତ ଆଠରେ ଏକ ଗୁଣିଲେ ଆଠ ହେଲା, ତେଣୁ ତିରିଶ ମିଶାଣ ଆଠ ହେବ ଅଠତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା, କେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା, ଗୋଟେ ହେଲା ତେୟାଅଶୀ ବିଭକ୍ତ ଶହେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଠତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର। ଦେଖ ତେୟାଅଶୀ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଏବଂ ଅଠତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର, ଏହା ସମହର ବିଶିଷ୍ଟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ନଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସମହରେ ପରିଣତ କରିବା, କାରଣ ଏଥିରେ ଶହେ ଅଛି, ଏଥିରେ ହଜାର ଅଛି, ତେଣୁ ଶହେ ହଜାର ଲସାଗୁ ହେଲା ଏକ ହଜାର। ତ ଏକ ହଜାର ଅର୍ଥ ତେୟାଅଶୀ ବିଭକ୍ତ ଶହେରେ ଆମେ କେତେ ଗୁଣିଲେ, ଶହେରେ କେତେ ଗୁଣିଲେ ହଜାରେ ହେବ, ତ ଶହେରେ ଦଶ ଗୁଣିବା ଏବଂ ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଦଶ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ତେୟାଅଶୀରେ ଦଶ ଗୁଣିଲେ ଆଠଶହ ତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ଅଠତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର, ତେଣୁ ଆମେ ଏକ ହଜାରରେ ଏକ ଗୁଣିବା ଏବଂ ଲବରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁଣିବା, ତାହେଲେ ଅଠତିରିଶ ଗୁଣନ ଏକ ହେବ ଅଠତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର। ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ପାଇଲେ ଆଠଶହ ତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର, ଅଠତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର। ରେଟ୍ ଲବ ଯଥାକ୍ରମେ ଆଠଶହ ତିରିଶ ଏବଂ ଅଠତିରିଶ, ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଠଶହ ତିରିଶ ସଂଖ୍ୟାଟି ବଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଆଠଶହ ତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା, ଅଠତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ଏକ ହଜାର, କିମ୍ବା ଶୂନ ଦଶମିକ ଆଠ ତିନି ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ଦିଆଗଲା ଶୂନ ଦଶମିକ ଶୂନ ତିନି ଆଠଠାରୁ। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ କିଏ ସାନ କିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଏହା ହେଲା ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଏହା ହେଲା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ, ସେହିପରି ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଏହା ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଏହା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ, ଏହା ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନ। ତାହେଲେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଏକ ଥିବାରୁ ଏହା ସମାନ ହେଲା, ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଏହା ସମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୂନ ଅଛି। ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିରଖ ଯେ ଦଶମିକର ଡାହାଣ ପଟରେ ତମେ ଯେତେ ଶୂନ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବ, ଅର୍ଥ ଏହାର ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ତମେ ଯେତେ ଶୂନ ବସେଇଲେ, ମନେକର ତିରିଶ, ତିରିଶ ସଂଖ୍ୟାର ତମେ ବାମ ପଟେ ଯେତେ ଶୂନ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ତିରିଶ ସେହିଭଳି ହିଁ ରହିବ। ଯେପରି ଏକ ଏକକୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖୁ, ଶୂନ ଏକ ଲେଖୁ, ଶୂନ ଦୁଇ ଲେଖୁ, ତ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଦୁଇ, ଏହାର ଅର୍ଥ କୋଡ଼ିଏ ହେବନି, କାରଣ ଏହା ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ବାମ ପଟେ ଅଛି, ଏହା ହେଲା ବାମ, ଏହା ହେଲା ଡାହାଣ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦଶମିକର ଡାହାଣ ପଟରେ ତମେ ଯେତେ ଶୂନ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ ରହିବ, ଅର୍ଥ ଦେଖ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚରେ ଏହାର ଏକକ ସ୍ଥାନ, ଏହା ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନ, ଏହା ହେଲା ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନ, ଏହାର ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତମେ ଶୂନ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ତମେ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ବସଉଛ, ତେଣୁ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୂନ ବିଭକ୍ତ ଶହେ ଆମେ ଲେଖିବା, ଯଦି ଶତାଂଶ ସ୍ଥାନ ଶୂନ ରହିଲା ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ କିପରି ଲେଖିବା, ଶୂନ ବିଭକ୍ତ ଶହେ, ତମେ ଜାଣିଛ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯଦି ଲବରେ ଶୂନ ରହେ, ହରରେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲେ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ଅର୍ଥ ନିରର୍ଥକ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଦଶମିକର ଡାହାଣ ପଟେ ତମେ ଯେତେ ଶୂନ ବସେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୂଲ୍ୟ ସେହିପରି ରହିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟିରେ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଶୂନ ଅଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଶୂନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଏକ ଘରେ ଏକ ଅଛି, ଏହାର ଦଶ ଘରେ ଦଶାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଅଛି, ଅର୍ଥ ଏକ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚର ମୂଲ୍ୟ
1.50 सहित सामान तेणु यह शून्य शून्य मूल्य कि नुहे तेणु 1.5 जहाँ 1.50 ता तेणु यह मध्य बड़ कहीं नुहत उभय सामान तो बर्तमान आम यार धारा देखने तो यह साधारण भग्न संख्या प्रकाश करवा तो 1.5 एकक स्थान एक थी यार एक एक 0.5 दशक स्थान किए अच्छी 5 तेणु यार मूल्य 5 विभक्त 10 एक पुनः एक 5 विभक्त 10 से हीपरी 1.50 एक एकक स्थान थी एक एक 0.5 दशक स्थान थी यार मूल्य 5 विभक्त 10 तेणु 0.5 पर 0 अच्छी 5 0 सत्यांश स्थान थी 0 मूल्य 0 विभक्त 100 अर्थ किसी नुहे तेणु एक पूर्ण 5 विभक्त 10 मिशन सत्यांश स्थान 0 मिसेदे कौन हम से 0 ही रहा एक पूर्ण 5 विभक्त 10 तो यही संख्या जहाँ यही संख्या ता से एक बर्तमान दुईट भग्न संख्या को तुलना करवा तो एक पूर्ण 5 विभक्त 10 एक पूर्ण 5 विभक्त 10 एठार तुम्हें लक्ष्य कर उभय भग्न संख्यार भग्न संख्यार मान सामान तेणु एक विभक्त एक पूर्ण 5 विभक्त 10 जहाँ एक पूर्ण 5 विभक्त 10 मध्य से जाच कि देख जपरी गणन संख्यार बाम पार्श्व शून्य थे तहार मूल्य बदले ना सेपरी बा से ही संख्याटर मान से हीपरी रही था उदाहरण एक को आम शून्य एक कहीपर कारण यार बाम पार्श्व शून्य रही एक मान से एक यह दस हम ना से एक ही रोक किंतु 50 लिखाई तो 50 बाम पार्श्व शून्य रखिदे 50 मूल्य से 50 रार मूल्य बढ़ना कि कमीपरी दशमिक संख्यार भग्न संख्यार दशमिक संख्या में दशमिक भग्न संख्या दशमिक संख्या में जहाँ कौन ताकूमें दशमिक भग्न संख्या कही था तो भग्न संख्यार दशमिक बिंदु पर संख्यार अंकर डाहाण पार्श्व शून्य थे शून्य बसाइले से ही संख्यार मान पर हुए ना मूल्य बढ़े ना जपरी 2.18 तो 1.8 शून्य जहाँ 2.18 जहाँ सामान 2.18 ताहापर 5.46 जहाँ 5.46 जिते शून्य बसइले सामान हम नुआ प्रश्न दे 0.099 0.19 को आम कौन करवा तुम्हें जानवा किपर किए बड़ किए सान बर्तमान यार आम स्थानीय मान देखने तो 0.099 एकक स्थान यार दशांश स्थान यह सत्यांश यह सहस्रांश से भाव में द्वितीय संख्याटी 0.19 प्रथम संख्याटर एक स्थान शून्य द्वितीय संख्यार शून्य अच्छी तेनाली सामान रहा दशक स्थान शून्य अच्छी यार दशक स्थान एक अच्छी तो आम जानते एक शून्य मध्य एक बड़ से 0.19 बड़ हम 0.099 बुझीगला बर्तमान आम यार धारा देखने तो यही दशमिक संख्या को साधारण भग्न संख्यार प्रकाश करवा तो 0.099 नौ है सत्यांश स्थान थी यार मूल्य 9 विभक्त 100 तो 9 सहस्र द्वितीय 9 टी सहस्रांश स्थान थी यार मूल्य 1 विभक्त 1000 सहस्रांशर मूल्य 1000 तो 9 विभक्त 100 मिशन 9 विभक्त 1000 यार हर सामान नथिबारु यार लसागु निगला तो लसागु 100 एवं 1000 र लसागु 1000 तो 100 रे केते गुणले 1000 हबो 100 रे 10 गुणले 1000 हेतिमे 9 रे मध्ये हमकु 10 गुणया पे पल्ला 9 10 90 90 हबो तो मिशन 9 विभक्त 1000 रे 1 गुणिले से 1000 हबो एवं लब रे मध्ये में 1 गुणिबा 9 के 9 ताले 90 मिशन 9 हैला 99 विभक्त 1000 सेई परि 0.19 रे ए होची 1 होची दशांश स्थान थिबारु एहार मूल्य 1 विभक्त 10 9 सत्यांश स्थान थी यार मूल्य 9 विभक्त 100 तो 1 विभक्त 10 10 मिशन 9 विभक्त 100 तो यार 10 100 र लसागु समहर नुहत से आम यार लसागु ने यार लसागु 100 हम तो 10 रे 100 10 को 100 रे परिणत करने 10 रे केते गुणीबा ना 10 गुणिले 100 हम 10 रे 10 गुणिले लब रे 10 गुणीबा अर्थ 1 रे 10 गुणीबा ता 10 हम तो 9 विभक्त 100 अच्छी यार हर 100 अच्छी से आम एक गुणीबा तो 9 रे मध्य 1 गुणीबा ताले 10 मिशन 9 हबो 19 विभक्त 100 वर्तमान दुटी भग्न संख्या में पाइले गोटे संख्या आला 99 विभक्त 1000 आ गोटे हला 9 विभक्त 100 आ गोटे हला 19 विभक्त 100 तन 99 विभक्त 1000 आ गोटे हला 19 विभक्त 100 समहर 9 थिबारु
एहाकु समहरे परिणत करिबा तार लसागु नेले 1100 रा लसागु हेबो 1000 त वर्तमान हरकु आमे 1000 रे परिणत करिबा त अनिसत विभक्त 1000 ताले 1000 रे केते गुणले 1000 ने 1000 रे 1 गुणले 1000 न हर रे 1 गुणि चंति लब रे मध्ये 1 गुणिबा लब अनिसत अछि अनिसत रे 1 गुणले अनिसत विभक्त 1000 तो 19 विभक्त 100 और हर 100 अच्छी तेणु 100 रे केते गुणले 1000 हम 100 रे 10 गुणले 1000 हम मैंने यार लाभ में मध्य आम 10 गुणवा तो 19 गुणन 10 तो 190 190 विभक्त 1000 तो गोटे संख्या है 19 विभक्त 1000 आ गोटे 190 विभक्त 1000 यार लाभ यथाक्रमे 19 एवं 190 तो आम जानते 190 हूँ 19 ठार बड़ तेणु 190 विभक्त 1000 बड़ चिन्ह दिगला 19 विभक्त 1000 कि 0.19 बड़ हम 0.099 ठार तीन नंबर प्रश्नटी देला तुम मनर जेकोसी दुईट दशमिक संख्या नि से दुईट मध्य बड़ संख्याटी बाछ तुम्हें बड़ संख्याटी किपर चिन्हट कला लेख तो गोटे संख्या दुईट संख्या मनर नहीं यथाक्रमे 0.37 0.48 बर्तमान देख आम यार स्थानीय मान देखा तो 0.37 0.48 यह एकक स्थान यार दशांश स्थान यह शतांश स्थान एभय संख्यार एकक स्थान शून थान किंतु प्रथम संख्याटर दशांश स्थान तीन द्वितीय संख्याटर दशांश स्थान चार अच्छी तेणु 4 3 बड़ से 0.48 बड़ हम 0.37 रु बर्तमान आम यह किपर कले धारा को देखने तो 0.37 तीन दशांश स्थान थी यार मूल्य 3 दशांश अर्थात 3 विभक्त 10 7 शतांश स्थान थी यार मूल्य 7 विभक्त 100 तो बर्तमान ये दुई संख्या को मिसाई देने आम कौन पाइबा ना ये संख्याटी के तो यही संख्याटी को भग्न संख्या लिखने आम के तेणु आम दुटा संख्या मिसाई देने तो 3 विभक्त 10 मिसान 7 विभक्त 100 तेणु 10 100 लसा को ना कारण यह समहर नुहंती समहर करने लसा ने आम 100 पाइले कहना 10 100 लसा को 100 तेणु 10 रे के गुणले 100 10 रे 10 गुणले 100 से लब रे 10 गुणवा तो 3 रे 10 गुणले 30 हम द्वितीय संख्याटी भग्न संख्या है 7 विभक्त 100 तेणु यार सहर 100 अच्छे से आम 1 गुणवा लब रे 1 गुणवा तो लबर 1 गुणले 7 हम तो 30 मिशाण 7 हम 37 विभक्त 100 तो समहर विशिष्ट भग्न संख्यार परिणत करागला तो 0.48 4 रे 4 दशांश स्थान थी यार मूल्य 4 विभक्त 10 8 शतांश स्थान थी यार मूल्य 8 विभक्त 100 तो 4 विभक्त 10 मिशाण 8 विभक्त 100 तेणु यह समहर नाकू समहर परिणत करागला तो समहर है तो लस गुणा आम 100 है तो 10 रे के गुणले 100 हम 10 रे 10 गुणले 100 हम से लब रे आम 10 गुणवा तो 4 रे 10 गुणले 40 द्वितीय संख्याटर हर से भाई अच्छी अर्थ 100 अच्छी तेणु आम ए 1 गुणवा तो उपर लब रे 1 गुणवा 8 रे 1 गुणले 8 है तो 40 मिशाण 8 हम 48 विभक्त 100 तो बर्तमान आम दुईट भग्न संख्या को तुलना करवा आम ये दशमिक संख्या को आम भग्न संख्या प्रकाश कले द्वितीय दशमिक संख्या को मध्य आम भग्न संख्या प्रकाश कले तो प्रकाश कले आम पाइले के गोटे संख्या पाइले 37 विभक्त 100 अन्य संख्याटी पाइले 48 विभक्त 100 तो देख तुम यहीपर भाव में भी लिखिपार कि तुम सांगे सांगे किपर लिख कारण दशमिक पर दुईट अंक अच्छी से तुम 37 लिख तो 1 रे 2 शून बसपर दशमिक पर दुईट अंक अच्छी अर्थ 48 वाला से संख्याटी तार 1 रे 2 शून देख ये से ना 37 विभक्त 100 अच्छी 48 विभक्त 100 अच्छी मुझ तुमको बुझेपी मुझे पूरा भाव में तुमको लिखिली तो कितु तुम सांगे सांगे लिखापे तुम यहीपर भाव में लिखिपार 0.37 अच्छी तेणु 37 विभक्त 0.1 पर 2 अंक तेणु 1 रे 2 शून से हीपरी 0.48 ताले 48 विभक्त 1 रे 2 शून कारण 2 अंक अच्छी एकपर भाव में तुम कर प्रत्येक भग्न प्रत्येक दशमिक संख्या को तुम यहीपर भाव में तुम बहुत सहजरे एवं शीघ्र तुम भग्न संख्यार प्रकाश करते लंबार न करके तुम यहीपर भाव में खूब शीघ्र कर बुझेपी भाव में कली देख बर्तमान दुईट भग्न संख्या को तुलना करवा तो 37 विभक्त 100 48 विभक्त 100 एठार हर सामान अच्छी लबरे संख्या यथाक्रमे 37 और 48 तो आम जानते 37 48 मध्य 48 बड़ तेना 48 विभक्त 100 बड़ है 37 विभक्त 100 ठार कि 0.48 बड़ हम 0.37 रु तुम यहीपर भाव में करमें यह भग्न जदि तुमको देव दशमिक तुम किपर भग्न संख्या लिख तुम एमती न करी सीधा सड़क यही सीधा सड़क यहीपर भाव में लिखिपार
जदि मन कर तुमको शून दशमिक पाँच दिखाई तुमको भग्न संख्या लिखापी तो दशमी पर गोटे अंक अच्छी तेणु पाँच लिखो एक गोटे शून दब से भाव में दशमिक पर यदि चारोटी अंक थाए चार नौ पाँच नौ जदि चारोटी अंक थाए तो तुम से संख्याटी को लिख आतोटी अंक अच्छी चारोटी अंक कह ते एक चारोटी शून दब बुझेगा यहपर भाव में तुम करिपारिब एवं तुम्हें सांगे सांगे किपर जानवे के बड़ के सान ना तुम यार स्थानीय मान देख जपरी यार दशाश स्थान किए अच्छी यार सप्तांश स्थान किए अच्छी द्वितीय दशमी संख्यार दशाश सप्तांश स्थान किए अच्छी जोटी बड़ से संख्याटी बड़ जदि यार एकक स्थान किसी ना जदि मनकर ये था चार दशमिक तीन पाँच ये था तीन दशमिक चार सात तो देख यार एकक दशक यार एकक दशाश शतांश यार एकक स्थान चार यार एक स्थान तीन तेणु आम जानते चार तीन ठारूँ बड़ तेना यह संख्याटी बड़ हम तेणु तुम सागे सांग खूब शीघ्र यहपर भाव में तुम जापर बुझीला देख जाच कि किसीटा तुमको कौच शुण देख दशमिक संख्या को किपर कम समय सुविधा तुलना कर बड़ सान जाणीहब ता देखा मुझे पूर्व जहाँ कही मुझे लिखिदेगी देख आम गणन संख्यार बड़ और सान संख्या तार स्थानीय मानू जाणी थो जपरी पचिश पैंतीस मध्य पचिश दशक स्थान में दुई अच्छी पैंतीस दशक स्थान में तीन अच्छी तेणु तीन दुई ठार बड़ तेणु पैंतीस पचिश ठार बड़ से हीपर दशमिक संख्यार दशाश शतांश सहस्तांश स्थान अंक मान तुलना कर आम दशमिक संख्यार बड़ स्थान जापर जपर शून दशमिक तीन सात से शून दशमिक आठ आठ यार एकक दशाश शतांश तो एकक स्थान शून अच्छी तेणु यह सामान कारण उभय संख्यार शून अच्छी उभय दशमिक संख्यार से ही भाव में यार दशाश स्थान तीन अच्छी यार दशाश स्थान आठ अच्छी तेणु तीन आठ ठार बड़ से शून दशमिक आठ आठ बड़ हम से शून दशमिक तीन सात शून दशमिक आठ आठ यठार दशाश स्थान यथाक्रमे तीन एवं आठ अच्छी तेणु आठ तीन ठार बड़ से शून दशमिक आठ आठ बड़ हम शून दशमिक तीन सात रु तो शून दशमिक चार छून दशमिक चार आठ एठार दशाश स्थान अंक गुड़िक यथाक्रमे चार एवं चार जहाँ सामान तेणु सप्तांश स्थान अंक गुड़िक छ आठ मध्य जी बड़ अंक से दशमिक संख्याटी बड़ दुईट संख्या सामान हो गला दशाश दशाश स्थान अंक जदि सामान है तुम शतांश स्थान को जीव जदि शतांश स्थान अंक गुड़िक सामान है तुम सहस्रांश स्थान को जीव यहीपर भाव में तुम कर जापर के दशमिक संख्याटी बड़ आउ के दशमिक संख्याटी सान तेणु चार शून दशमिक चार आठ बड़ है क्या ठार शून दशमिक चार छु तो शून दशमिक छून दशमिक शून छे दशाश स्थान यथाक्रमे छून अच्छी तेणु छ बड़ से शून दशमिक छ बड़ है शून दशमिक शून छ दुईट अंक थे स्थानीय मानी शून दशमिक छ बड़ देख शून दशमिक छ अच्छी एटी शून दशमिक शून छ अच्छी आम गणन संख्यार जदि मनकर पैंतीस एटी तीन शी मनकर दुईश छत्तीस एटी दुईट अंक ये तीनो अंक तेणु आम कौन करना तीनो अंक बड़ अच्छे से अंकटी बड़ कारण तीन अंक विशिष्ट संख्या आम जानते जितोटी जिते अंक विशिष्ट संख्या थी ता बड़ हम जिते सान अंक विशिष्ट संख्या थी जदि दुई अंक थी तीन अंक तुलना कले आम तीन अंक को बड़ कह कारण दुई तीन दुई ठार बड़ कि दशमिकेपर नुहे दशमिक देख ये गोटे अंक अच्छी दशमिक पर दुईट अंक अच्छी किंतु ये संख्याटी कौन बढ़ाला कारण यार दशा यार स्थानीय मान तुम देख यार दशाश स्थान छ अच्छी यार दशाश स्थान शून अच्छी से छून ठार बड़ से छटी बड़ है शून दशमिक छ बड़ है एमें अंक मान देख नुहे स्थानीय मान देख तुम बड़ सान जापरिबा।